हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्यालय ट्यूटोरियल्स में। आज हम पार्ट टू करेंगे नंबर सिस्टम का। स्टार्ट करते हैं गुणनखंड से, फैक्टर्स। गुणनखंड फैक्टर्स, अभी तक हम लोगों ने ये वाला मेथड पढ़ा है, अभाज्य गुणनखंड निकालने का। जैसे 12 है, 2 सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 6 फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3। इसके फैक्टर्स क्या लिखते हैं हम, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 इक्वल टू 12। अब अपन अपन कोई इस मेथड से नहीं करना है, दूसरा शॉर्टकट मेथड है उससे करेंगे। 12 है तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 12। ठीक है, अगर मैं इस बात करूं पहला कुल गुणनखंड यानी टोटल फैक्टर्स की बात करूं तो क्या होंगे, जो भी इसकी पावर है उनको सम करके मल्टीप्लाई करना है। 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, इसके टोटल गुणनखंड हो गए। दूसरा देखो, मैं बोलूं प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड वो कितने होंगे, जो भी इसकी पावर्स है उनका सम कर दो केवल, 2 + 1 = 3। ठीक है, अब बात करता हूं मैं इवन फैक्टर्स की। इवन फैक्टर्स मतलब सम गुणनखंड, तीसरा है सम गुणनखंड। सम गुणनखंड कैसे फाइंड करेंगे, जो भी इसमें सम संख्या है 2 उसकी पावर 2 है उसको सेम रखना है, और जो भी ऑड है यानी विषम उसमें एक और जोड़ दो, वरना इसकी पावर तो 1 + 1 + 1 करके मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 4। ये सम गुणनखंड हो गए। टोटल फैक्टर कितने थे अपने पास, कुल गुणनखंड कितने थे 6, कुल गुणनखंड 6, इसमें से सम गुणनखंड कितने हो गए 4, तो विषम गुणनखंड कितने हो गए 2। हो गए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 15 × 35 2² × 8, इसके प्राइम फैक्टर बताने हैं, क्या बता रहे हैं प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे। ठीक है, तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3 × 5, इसको 5 × 7 का होल स्क्वायर, इसको 2 × 3 × 5 × 5 × 5 × 7 × 2 × 3, 3 कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। इसके मुझे पूछा है कि प्राइम फैक्टर बताओ, तो प्राइम फैक्टर क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर पूछा है केवल। अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 1 भी है तो 2 की पावर 1, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, जो भी सबकी पावर है इनको ऐड कर दो, 3 + 2 + 2 कितना हो गया, 3 + 2 = 5 + 2 = 5 की पावर 3 है, सॉरी 5 की पावर 3 + 3 = 6 + 2 + 8 + 1 कितना हो गया 9, इसके प्राइम फैक्टर कितने हो गए 9। ठीक है, ये हो गई गुणनखंड की बात। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट, नेक्स्ट है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, इकाई अंक, इकाई हम कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले तो
जो 0, 1, 5 और 6 इनका कभी भी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है, 5 की पावर भी कुछ है तो 5 ही रहेगा, 6 की पावर कुछ भी है तो 6 ही रहेगा यूनिट प्लेस पे हमेशा। जैसे मैं कहूं 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्या 125, 5 की पावर 4, ऐसे 5 ही होगा सबका। ऐसे 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 36, 6 की पावर 3, 2, 1, 6, सब में 6 यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं 4 की। 4 की पावर 1 क्या होता है 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 क्या हो जाएगा 256। ऐसे 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 81, 9 की पावर 3 कितना हो जाएगा 729। तो देखो अब इसमें एक चीज है, 4 और 9 में अगर ऑड हो और क्या हो इवन हो, देखो 4 में अगर ओड पावर आ रही है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4, अगर 9 में अगर ओड पावर आ रही है तो क्या होगा और मतलब विषम और सम मतलब सम, इवन मतलब सम। ठीक है, अगर इवन पावर आ रही है 4 में तो 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा 6, अगर 9 में इवन पावर आ रही है तो 9 का क्या होगा 1 यूनिट डिजिट। ठीक है, ऐसे निकालना है। ऐसे ही 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 9 ये मैं लिख रहा हूं जो इकाई के अंक, 7 की पावर 3 कितना होगा 3, 7 की पावर 4 कितना होगा 1, तो इसको एक होगा ना 2401, ये यूनिट प्लेस आएगा हमेशा, यूनिट प्लेस नंबर है ये, है ना। 4-4 के बाद में वापस रिपीट हो जाएगा 7 की पावर 5, फिर 7 की पावर 2, फिर हमेशा रिपीटेड होगा। ऐसे 8 में 8 की पावर 1, 8, 8 की पावर 2, 4, 8 की पावर 3, 2, 8 की पावर 4, 6, अब फिर 4 पावर के बाद में रिपीटेड होगा। ऐसे 2 में 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2, 4, 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 4, 16, मतलब 6, ये क्या है यूनिट डिजिट है। इसके वजह से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 625 की पावर है 154 प्लस 9 की पावर है 27 प्लस 116 की पावर है 17 प्लस 131 की पावर 100 प्लस 4 की पावर 14। तो देखो 5 की पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5, अगर 9 की पावर ऑड हो तो क्या आएगा 9, 9 की पावर 1, 6 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा 6, 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही आएगा हमेशा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। 4 की पावर क्या है इवन है तो क्या आएगा 6। अब देखो 5 प्लस 9 कितना हुआ 14, तो यहां से इकाई का रूट क्या है 4, अब 6 प्लस 4 कितना हुआ 6 प्लस 4 10, या सी का आएगा कितना 0, अब 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या आएगा 1, अब 1 प्लस 6 कितना हो गया 7, तो 7 इसका क्या हो गया यूनिट डिजिट। ऐसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4
पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 अब स्टोन 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100 ठीक है देखो 4 की पावर 2 4 की पावर 1 4 अगर ऑड है तो और ये इवन है तो क्या होगा 1 प्लस ऐसे चलेगा 4 प्लस 1 4 प्लस 1 अब स्टोन है 4 प्लस 1 कितना होगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 देखो ये कितनी कितने टाइप से 0 यहां से भी 0 0 ठीक है तो इसका मतलब क्या है 5 कितने टाइम पर कितना होगा 50 टाइम्स क्योंकि पावर 100 है तो हाफ हो जाएगी ना पावर हाफ हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 50 250 तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 0 ये क्या है यूनिट डिजिट ये यूनिट डिजिट होता है तो ऐसे निकाल लेंगे यूनिट डिजिट कल इसके बेस पे हम दो तीन क्वेश्चन और देखेंगे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो सब्सक्राइब करो और कमेंट अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए थैंक यू फ्रेंड्स